गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय जय। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी आदेश दिए कि तुम अपनी नौ पुत्रियों का विवाह ऋषि मुनियों से करना, उनकी रुचि और उनके शील के अनुसार मैच कर लो। तो ब्रह्मा जी अपने साथ सबको लेके आए थे, वो अपने कई पुत्रों को साथ लेके आए थे, तो नौ ऋषियों को साथ लेके आए थे विवाह कराने के लिए। और साथ में जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो कुछ ब्रह्मचारी लोगों को बोले कि भगवान का अवतार हुआ, हम भी दर्शन करेंगे। तो चार कुमार और नारद जी भी आ गए थे ब्रह्मा जी के साथ कि भगवान का अवतार हुआ है, थोड़ा हम भी दर्शन कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। अब ब्रह्मा जी जब सबकी शादी फिक्स कर दिए तो चार कुमार और नारद जी को इशारा किए, ब्रह्मचारी का कोई काम नहीं है शादी ब्याह में, चलो हंस पे बैठो और चलो यहाँ से। देखिए कोई ब्रह्मचारी सन्यासी को कभी शादी में नहीं बुलाना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे हमारे बेटे की शादी है तो महाराज को इन्विटेशन दे देते हैं। इस सृष्टि को बढ़ाना एक प्रोजेक्ट है ब्रह्मा जी का, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि जो सृष्टि में आ गए और जाने के लिए तैयार हो गए भगवान के धाम वापस, इस कर्म चक्र से छूट के वापस निकलने के लिए तैयार है, उनको किसी तरह वापस नहीं फंसाना, उनको लेके जाना है। एक प्रोजेक्ट है जैसे जेल बनाने का, एक प्रोजेक्ट है कि कैदियों को यहाँ पर डालना है, मगर उससे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है कि उन लोगों को रिफॉर्म करके सुधारना है। तो बिल्कुल वैसे ही सृष्टि को बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, ये एक प्रोजेक्ट है ब्रह्मा जी का, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट उनका ये है कि जो लोग इस सृष्टि में हैं उनको क्वालिफाइड बना के वापिस भगवत धाम भेज दिया जाए, जिससे कि उनको इस संसार में और बार बार जन्म लेके शरण ना पड़े। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ब्रह्मा जी का। तो इसीलिए उन ब्रह्मचारियों की रक्षा के लिए कह रहे ताऊ आश्वस्य जगत सृष्टा, वो जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कर्दमुनि देवहूति को आश्वस्त करके कुमारे सह नारद, वो चार कुमार जो ब्रह्मचारी हैं और नारद जी के साथ हंसो हंसेन यानेन अपने यान पर, जो उनका एरोप्लेन है वो हंस है, तो अपना यान पर हंस पर खुद बैठे, चार कुमारों को बिठाए, नारद जी को बिठाए। अभी बेटियों की शादी होगी वो देखने से कोई मतलब नहीं, बोले तुम लोग ब्रह्मचारी हो, भाइयों की शादी से तुमको कोई मतलब नहीं, भाइयों की शादी भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी है तो। सब हंस पे बिठाए और सबको वापस लेके चले गए त्रिधाम परमा में, इन तीनों लोगों से ऊपर जो ब्रह्मा जी का लोक है सत्य लोग, उस लोक की तरफ वापस चले गए ब्रह्मा जी। तो कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो ब्रह्मा जी की चिंता है कि सृष्टि आगे बढ़नी चाहिए, मगर जहां एंड हो रही है वहां भी उनको बहुत प्रसन्नता है। इसीलिए होता क्या, देखिए अगर शादी में कोई ब्रह्मचारी सन्यासी जाता है तो दोनों का नुकसान हो सकता है, हो सकता है कि कोई विरक्त को मन कर जाए कि हम भी विवाह कर लें तो वो बेचारा गिर जाएगा, दूसरी ओर वो जो शादी करने वाला दूल्हा है वो ये ब्रह्मचारी जी के आनंद को देख के कहीं ऐसा ना कि चला जाता है इसी के साथ, ऐसा हो जाता है रियल में। हम लोग देखें कि ऐसा हुआ भी है कई बार कि कभी कभी ब्रह्मचारी सन्यासी को अरे इतना निर्भय आनंद में जीवन जीते हैं लोग, तो मैं क्यों फालतू में इतना प्रसन्न था, गृहस्थी में झमेला है तो सबका अनुभव है। वो एक कहावत है कि दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो पछता है। तो जब तक नहीं खाया, जब तक विवाह नहीं हुआ, तब तक व्यक्ति को लगता रहता है कि हमारा विवाह कब होगा, विवाह होगा तो कितना अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। और एक बार हो जाता है तो किसी भी गृहस्थ से पूछ लीजिए हाउ आर यू फीलिंग, तो अपनी सारी फीलिंग थोड़ी देर में बताने लगेगा, 10 मिनट बात करेंगे तो चल आंसू भी गिराना शुरू कर देगा, बोले क्या पता है महाराज। तो ऐसा ना हो किसी विरक्त के सुख को देख के ये दुल्हे राजा की इच्छा हो जाए कि भैया हम ये राजा क्यों बने, हम महाराज बन जाते हैं।
तो बेचारा सब शादी खराब करेंगे। तो दोनों की रक्षा के लिए शास्त्रीय सिद्धांत है कि शादी ब्याह में विरक्त संतों को नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपको भक्तों को बुलाने की इच्छा है तो ये सब गृहस्थ भक्त है, इनको दो को छोड़ के इन लोगों को बुला लीजिएगा। वो लोग तैयारी में ब्रह्मचारी की, उनको हम क्यों खराब करेंगे। आप लोग को बुलाना तो अनिरुचि को बुला लीजिएगा, बुला लीजिएगा। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी अपने चले गए और उसके बाद कपिल भगवान जो उनकी पुत्री कर्दमुनि अपनी पुत्रियों की शादी कुछ ऋषि मुनियों से किए उनका लिस्ट दिखाए। मरीची का विवाह कला के साथ किए, अनुसुईया का विवाह आप लोग का नाम फिल्म स्टार से याद रखे हैं, मगर ऋषि मुनियों का और इन कन्याओं का नाम इतना पवित्र है आगे आएगा। पहले बता देते हैं आपको कि इन नौ कन्याओं का नाम कोई ले ले सुबह शाम तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, ये इतनी पवित्र कन्याएं हैं। अरे तो ध्यान से सुन लीजिए, मरीची का विवाह कला के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगीरा के साथ, पुलस्त का विवाह विभु के साथ, पुल्हा का विवाह गति के साथ, क्रतु का विवाह क्रिया के साथ, ख्याति का विवाह प्रभु के साथ और वशिष्ठ मुनि का विवाह तो मिथिला की मुनि है। इतना बता दीजिए नहीं तो सच में नाम कर देंगे आप। इतना ऐसा मत कीजिए, देखिए मिथिला है वशिष्ठ की पत्नी है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करिए। इतने निर्दयी मत होइए, भगवान के प्रति दया कीजिए, आप लोग मिथिलावासी हैं। मैं वृंदावन जाके क्या बताऊंगा वहां के संतों को। नहीं, ऐसा नहीं बताना चाहता है। आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग तो नहीं बोल रहे, कुछ कंबल में मुंह ढक रहे हैं। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, जोर से हरि बोल। वशिष्ठ मुनि का अरुंधति के साथ और अथर्व मुनि का शांति के साथ विवाह हुआ। इस तरीके से नौ कन्याओं का विवाह नौ ऋषि मुनियों के साथ किए और फिर आगे कह रहे हैं, सच अवतीर्णम त्रियुगम अध्याय विभुदर्शभ विविध उपसंगम में प्रणमय संभाषत। तो सप्त बेटियों का विवाह किए, उसके बाद एक दिन की बात है कि विविध यानी अकेले में जब कोई नहीं था तो कपिल मुनि कर्दम मुनि भगवान कपिल से कुछ अकेले में बात किए। बहुत सुंदर अपना विचार किया है, अहो बापच्चे माना नाम निरहेश्वर मंगल है काले भूयसानम प्रसिद्धंति है देवता। कह रहे हैं कि ये जो देवता होते हैं अहो बापच्चे माना नाम, अपने पाप आदि के कारण जो लोग हमेशा दुख में रहते हैं और एकदम नारकीय भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित रहते हैं, अमंगलमय जीवन जीते हैं, वो लोग तो बहुत समय किसी देवता को मनाते हैं तो बहुत समय बाद कोई देवता प्रसन्न होता है। जल्दी प्रसन्न नहीं होते, अरे देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति दुख में है संकट में है तो देवता लोग देखते हैं कि तेरा कर्म कैसा है। तो उस बेचारे को बहुत साल तक बहुत समय तक पूजा पाठ आदि करना पड़ता है तब जाके देवता उसके ऊपर कृपा करते हैं। अरे मगर आपका स्वभाव इससे बिल्कुल बना है, हम तो बहुत काल नहीं किए, काल बहुत किए थे। ध्यान से सुनिए, कर्दम मुनि 10,000 साल तपस्या किए थे मगर उसको कह रहे हैं कि हम काम हमको तो थोड़ी सी भक्ति की है। हम लोग कर लेते हैं 2-4 महीने माला जब कर लेते हैं तो पूछते हैं प्रभु जी अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कितना हजार साल तपस्या किए। 10,000 साल भगवत भजन करके कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ कुछ किया आपके लिए, मैं तो बहुत कुछ सेवा क्या कुछ सेवा ही नहीं कर पाए हम लोग तो। देखिए शिव जी की भक्ति कर रहा था रावण और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो संपत्ति शिव रावण ही धीमी दिए दसमा। रावण 10 गर्दन काट काट के डाला तब जाके उसको लंका का राज्य दिए।
सोई संपदा भीषण ही सकुची दिए रघुनाथ, वही संपत्ति वही लंका का राज्य। भगवान राम को, भगवान राम भीषण को केवल एक प्रणाम करने पर दे दिए और बहुत सकुचा के दिए। मतलब भगवान सोच रहे थे कि मैं तो इसको उतना नहीं दे रहा जितना इसने मुझको दे दिया। क्या दे दिया? जब भीषण भगवान की शरण में आए उस समय सब शक कर रहे थे, क्या संदेह कर रहे थे कि शत्रु का भाई है, असुर है, हमारा कुछ भेद लेने के लिए आया हुआ, तो सब संदेह कर रहे थे। और सब लोग मिलकर राम जी को बोले कि पहले हम ही लोग निपट लेते हैं उससे। भगवान राम तो जानते थे अंतर सर अंतर्यामी है। हनुमान जी से पूछे, हनुमान तुम्हारा क्या विचार है? अब हनुमान जी भी लंका में भीषण से मिलके आ चुके थे, बोले कि प्रभु एक बार उसको आने तो दीजिए। और जैसे ही विभीषण भगवान राम के पास आए तुरंत राम जी के चरणों में खून समर्पण कर दिए, पूरा लोट गए भगवान के चरणों में। और भगवान के चरणों में जैसे ही लोटे, भगवान को उठाए विभीषण को और बोले उठो लंकेश। वो लंका का राज्य जो शिवजी दिए थे रावण को 10 माथा देने पर, 10 सर काटने पर, वो भगवान रामचंद्र केवल भीषण को प्रणाम करने पर दे दिए। तब हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जैसे तुम लोग कुछ व्रत रखते हो ना सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे एक व्रत राम भी रख रहे हैं, एक व्रत मेरा भी है। क्या क्या व्रत है आपका? तो कह रहे हैं कि मेरा ये व्रत है कि सकृत एवं प्रपन्नो तवस्मी अध्याचते। सकृत का मतलब होता है एक बार, सकृत एवं प्रपन्न, यदि मेरी शरण में आके कोई एक बार बोल दे तब अस्मि, हे राम मैं आपका हूँ। एक बार बोल ही दीजिए हे राम। कुछ लोग बोल नहीं रहे, सोच रहे कि बोल देंगे तो अपने राम जी उठा के तो नहीं ले जाएंगे हम। बोल दीजिए, आगे का सुनिएगा, हे राम मैं आपका हूँ। कह रहे हैं कि सकृत देव प्रपन्ना तवस्मि यदि आचते तस्मै अभयम सर्वदा, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए भय से मुक्त कर देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभयम ददाति एतद् व्रतम, मैं उसको अभय का दान देता हूँ, ये व्रत मेरा है। मैं भी एक व्रत करता हूँ, जैसे तुम लोग व्रत किए हो ऐसे राम जी भी एक व्रत किए हैं कि एक बार भी शरण में आके बोल दे कि प्रभु मैं तो जैसा हूँ बस आपका हूँ, काफी है। उतना ही भगवान के लिए काफी है, उसको हमेशा हमेशा के लिए भय से मुक्त कर देते हैं। तो कह रहे हैं कर्दमुनि कि कालेन भूयसानुनम प्रसीदन्तिह देवता, ये देवता लोग तो बहुत काल बाद प्रसन्न होते हैं, मगर आप कितने दयालु हैं, आप दया से भरे हैं, आप आनंद से भरे हैं। वास्तव में भगवान का स्वरूप ही है कि अगर कोई पूछे, जैसे आप लोग कुछ पैकेट खरीद के खाते होंगे ना, चिप्स का पैकेट, पैकेट उन पैकेटों के ऊपर पीछे कवर के पीछे लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या डाला है। तो अगर इंग्रेडिएंट्स पूछे जाए कि भाई भगवान किस चीज से बना है कोई पूछे, तो कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप 2 चीजों से बने हैं। क्या? एक तो कृपा और दूसरा आनंद, 2 चीज से भगवान बने हैं। पता नहीं यहाँ तो चलते या नहीं चलते, हम लोग वृंदावन में बहुत देखे हैं वो दिवाली के समय चीनी के खिलौने, आप लोग देखे हैं? यहाँ नहीं चलते, कभी ला के आप लोगों को दिखाएंगे। और चीनी के खिलौने होते हैं, हाथी की शेप के, कुछ घोड़े के शेप के, अलग अलग शेप के चीनी के खिलौने, वो पूरा चीनी से बना हुआ है। तो उसका हाथी ले लीजिए, उसकी सूंड खाएंगे तो कैसा लगेगा? चीनी है, मीठा। उसकी पूंछ खाएंगे तो चीनी है, उसका पेट खा लेंगे तो चीनी है, उसका पैर खा लेंगे तो चीनी है। तो जैसे वो हाथी जो है पूरा का पूरा अंदर बाहर सब एक ही चीज से बने, किस चीज से? चीनी से। बिल्कुल वैसे ही भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एक ही चीज से बने हो, क्या है? कृपा से बने, कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। अहो पाप से माना नाम निरेश्वर मंगले काले भूयसा नूनम प्रसिद्धि है देवता। कहने देवता लोग तो बहुत काल तपस्या करने पर, बहुत पूजा पाठ करने पर, तब भी कर्मों का खाता देखते हैं,
आप ये सोचिए, कोई व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, संकट में है, तो क्या उसके कर्म का खाता देखना चाहिए या कृपा करनी चाहिए? कर्म का खाता देखना चाहिए या कृपा करनी चाहिए? मगर दैव कर्म सचिव, देवता सारे कर्म सचिव होते हैं, कर्म के पीछे चलते हैं। आपका कर्म होगा तो उस हिसाब से कृपा करते हैं। उस कृपा क्या है? तो पहले देखेंगे आपके कर्म को और उसके हिसाब से कृपा करेंगे। मगर सार्व दीन वत्सला, मगर भगवान और उनके भक्त कर्म नहीं देखते, वो देखते हैं किसी व्यक्ति को दीन ही, तो बिना उसके कर्मों पे विचार किए उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये सुधार जैसे कोई माँ हो, उसका बच्चा कीचड़ में गिर जाए, तो माँ कुछ ध्यान नहीं देती कि इस समय कितना गंदा है, कितना साफ है, इसको गोद में उठाऊंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। माँ उस बच्चे को उठा के तुरंत गोद से लगा देती है। वो उसके कर्मों का लेखा जोखा नहीं देखती, उसकी गंदगी, उसका पाप नहीं देखती, वो केवल इतना देखती है कि इस समय कीचड़ में गिर गया, मेरा है, मेरा बेटा है, इसको निकाल लेना है। तो कह रहे हैं दैवी कर्म सचिव है, देवता सारे कर्म सचिव है, कर्म के पीछे कृपा करते हैं। कुछ कर्म रहेगा तो आपको कुछ देंगे, मगर सार्व दीन वत्सला, भगवान और उनके भक्त जो होते हैं वो किसी को दीनहीन देख के ही उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो बहु जन्म विपक्वेन सम्यक् समाधिना दृष्टुम यतन्ते यतः शून्यगारेषु यत्पदम्। जिन चरण कमलों को खोज करते हैं, पाते हैं नहीं, कह रहे बहु जन्म विपक्वेन, जब बहुत जन्मों तक तपस्या योग आदि करके कोई व्यक्ति की तपस्या पक जाती है, विपक्वेन पकी हुई तपस्या, एक होती है कच्चा, एक होता है कच्चा आम, या तुम्हें दिला में आम कैसे देना तो आप समझेंगे, एक को बोलते हैं कच्चा आम और एक को बोलते हैं पका आम। तो कच्चा आम कैसा होता है खाने में और पक्का आम कैसा होता है? तो जो योगी कच्चा है अभी, तो उसने कुछ खटास है, और जो योगी कई जन्मों तक, भगवान भगवत गीता में बोले बहुत बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान पर्वत अंते, बहुत जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी जो होते हैं बोलता रहता है हम सब एक हैं, हम भी भगवान हैं, तुम अपनी शक्ति, बहुत जन्मों तक बोलता रहता है बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान। ऐसा ज्ञानी जो खुद को, दूसरों को भ्रम बोलता है, सब कुछ माया बोलता है, जो कुछ बोलता है, बहुत जन्मों के बाद समझ पाता है कि वासुदेव सर्वम इति, ये समझ पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। कई जन्मों तक ज्ञान का अभ्यास करके व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है कि बहुनाम जन्मनामते ज्ञानवान मन प्रपद्यन्ते, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है। और एक दो जन्म का कोर्स नहीं है, भगवान कहते हैं कई बार हजारों जन्म लग जाते हैं इतनी बात समझने में कि भगवान हमारे सब कुछ है, कि जल्दी बात भेजे में आती नहीं है। वो वासुदेव सर्वमिति कह रहे स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा कोई संत महात्मा बहुत दुर्लभ है। और वही बात यहाँ कर्दम मुनि कह रहे हैं बहु जन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिन, सम्यक रूप से एकदम अपने आप को कंप्लीटली एंगेज कर देते हैं योग में, समाधि में, तो ऐसे लोग भी दृष्टुम यतन्ते यत्न करते हैं। महान भगवत गीता में बोले कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मुक्त होना चाहते हैं, जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, मगर ऐसे हजारों लोगों में से मनुष्यानां सहस्रेषु, हजारों हजारों ऐसे में से कोई एक आधा जो होता है वो मेहनत करता है सच में मुक्त होने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृति के नियम से मुक्त होना चाहते हैं, वैज्ञानिक भी मुक्त होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रकृति के अगेंस्ट हम कुछ करके दिखाई दे, वो नियम है प्रकृति का कि मरना सबको पड़ेगा, वो एकदम लगे हुए हैं, पूरा जोर लगा दिए कि हम ऐसी दवाई बनाएंगे कि मरना ना पड़े। तो प्रकृति के नियम में कोई नहीं रहना चाहता, सब इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्त तो सब होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट सब चाहते हैं,
मगर असली स्वतंत्रता समझते नहीं और समझ जाए तो उसके अनुरूप काम करते नहीं है। तो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् कुछ कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए यत्न करते हैं। और यततां अपि सिद्धानां कश्चित् मामेति तत्त्वतः, ऐसे हजारों हजारों जो लोग तुम साधना में लगे हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति मुझको समझ पाता है। जैसे आप किसी एग्जाम को पास करते हैं, मान लीजिए आप आईएएस का एग्जाम देने जाते हैं, तो कितनों की सिलेक्शन होती है? लाखों में से किसी एक की सिलेक्शन होती है ना, लाखों में से किसी एक की। आईआईटी में आप जाएंगे, हजारों में से किसी एक की सिलेक्शन होती है। मगर भगवान की भक्ति ऐसी है कि करोड़ों करोड़ों में से किसी एक की सिलेक्शन होती है। तो आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सब हजारों में एक नहीं है, लाखों में एक नहीं है, आप लोग करोड़ों में एक हैं। सब इतने महान, क्योंकि आप लोग इतना बुद्धिमान हैं। क्या गांव में इतने ही लोग हैं? क्या आसपास जितने लोगों को पता है कि भागवत हो रही है इतने ही लोग हैं? नहीं, तो सब इतना बुद्धिमान नहीं होते। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वही भगवान का भजन करते हैं। जहां कहीं भजन की बात है शास्त्र में, सब जगह ऐसे शब्द किए गए हैं, कुमार आचरे प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी ज्ञानवान व्यक्ति, यजंती ही सुमेधसा, सुंदर बुद्धि वाला। जो बुद्धिमान नहीं है, बोका व्यक्ति है, वो भजन नहीं करता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं कि बहु जन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते, जिन भगवान को देखने के लिए बहुत जन्मों तक लोग खूब प्रयास करते हैं, यतन्तः शून्य अगारेषु, और शून्य आगार में किसी गुफा में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, किसी मठ मंदिर में चले जाते हैं, यत् पदम, जिन भगवान के चरणों को देखने के लिए, स एव भगवान आद्य, अद्य वही भगवान आज मेरी आंखों के सामने आ गए। मैं तो उतना यत्न किया नहीं, मैं तो कोई व्यर्थ होके मैं तो व्यस्त हूँ। कह रहे हेलनम न गणया, आपने कोई गणना नहीं की। एक गृहस्थ के द्वारा भगवान की कितनी अवहेलना होती है, एक गृहस्थ व्यक्ति कितनी चीजों को इम्पोर्टेंस देता है भगवान से ज्यादा, अपने मित्रों को इम्पोर्टेंस देता है भगवान से ज्यादा, पत्नी को इम्पोर्टेंस देता है भगवान से ज्यादा, बच्चों को इम्पोर्टेंस देता है भगवान से ज्यादा, समाज को इम्पोर्टेंस देता है भगवान से ज्यादा, देश को इम्पोर्टेंस देता है भगवान से ज्यादा। ये सब भगवान की अवहेलना है या नहीं? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, वीआईपी नहीं है, वीआईपी नहीं है, एमआईपी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, मगर उसको हम सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। वो नाम जब भी करने लगेंगे माला ले लिए, वो नाम और भगवान एक है, दो नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसिक रह, ये नाम और नामी भगवान एक ही है, मगर वो नाम जब करते हुए भी इम्पोर्टेंस भगवान की नहीं रहती है, इम्पोर्टेंस संसार की बनी रहती है। ये कितनी बड़ी अवहेलना है भगवान की। कह रहे सन्यासी लोग तो अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, अपना हर कार्य करते हैं केवल आपके लिए, और हम गृहस्थ लोग की कितनी अवहेलना करते हैं। फिर भी आप सन्यासी के घर में कभी अवतार नहीं लेते हैं, आप गृहस्थ के घर में आते हैं। आप उस अवहेलना को ना कर रहे हैं, उसकी कोई गणना नहीं करते। आप किसी को केवल आश्रम की दृष्टि से ऊंचा मान ले, किसी को नीचा माने, या किसी को जाति की दृष्टि से ऊंचा माने, किसी को नीचा माने, ये सब आपके अंदर गणना है ही नहीं। आप कुछ ऐसी गणना नहीं करते। गृहेषु जाता ग्राम्याणां, एक ग्राम में, ग्राम में गृहस्थ, ग्राम में मतलब गाँव का गृहस्थ नहीं, ग्राम में बोलते हैं जो इंद्र तृप्ति में लगा रहता है उस व्यक्ति को ग्राम में कहा जाता है। ग्राम में सुख, ग्राम में सुख क्या है? गांव में बूढ़े लोगों का सुख क्या होता है? थोड़ा इधर उधर खाट डालो, चार पांच लोग मिलके बैठ जाते हैं और ताश खेलते हैं, तो और या फिर उनका इतना सुख है कि इधर उधर संसार की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, दूसरे के घर की बात करेंगे, यही है। तो ये जो सांसारिक सुख है इसमें रचा पचा व्यक्ति, उसको बोलते हैं ग्राम में, ग्राम में सुख। इसका गांव से कोई संबंध नहीं है, ग्राम में का अर्थ है इंद्रिय इंद्रियासक्त व्यक्ति। कह रहे गृहेषु जातः ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः, आप क्योंकि
बाकी दृष्टि से अपना पराया बाकी दृष्टि से किसी को बड़ा छोटा नहीं देते, आपको केवल पक्ष पोषण अपने पक्ष का पोषण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है उनमें आत्मीयता करता है, ममत्व करता है, तो चाहे किसी आश्रम का हो भगवान उसके हो जाते हैं। ये सिद्धांत पक्ष पोषण। भक्त किस पार्टी का होता है? कुछ लोग इस पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, कुछ लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। भक्त किस पार्टी का होता है? भक्त तो माँ जानकी की पार्टी का होता है कि नहीं? मिथिलावासी किस पार्टी के यहाँ पर? जानकी मैया की पार्टी के बन जाएंगे। तो स्वाना पक्ष पोषण, जो स्वाना भगवान के अपने लोगों के पक्ष में रहते हैं, भगवान के भक्तों के पक्ष में जो है, या जो भगवान के पक्ष में है, या जो भगवान में अपनापन करते हैं, ऐसे लोगों का वर्ण भगवान नहीं देखते, आश्रम भगवान नहीं देखते, उनकी अमीरी गरीबी भगवान नहीं देखते, उनकी किसी भौतिक स्थिति पे भगवान की कोई नजर नहीं होती। भगवान आपको अपना स्वीकार कर लेते हैं, उनके घर में अवतार ला देते हैं। ऐसे अनेक गृहस्थ भक्त हैं। एक बहुत बड़े कवि हुए जयदेव गोस्वामी। एक बार की बात है, जयदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे जिसका नाम है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जब लिख रहे थे तो उसमें वो लिखते लिखते लिखने लगे कि जब श्रीमती राधा रानी मांग करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने सर का मुकुट उतार के राधा रानी के चरणों में अर्पण करते हैं उनके मांग को मनाने के लिए। लिख रहे थे वो, लिखते लिखते बोले ठीक नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा शिवाजी के भी आराध्य वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मान को मनाने के लिए अपना मुकुट अपना मस्तक उनके चरणों ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं देखूंगा। अब जयदेव गोस्वामी लिखे नहीं, वो अपनी पत्नी को पद्मावती को बोले कि मैं थोड़ा यमुना में स्नान करके आता हूँ, और उधर गए यमुना में स्नान करने के लिए। उधर वो गए यमुना में स्नान करने के लिए, तब तक पद्मावती के पास क्या हुआ, जयदेव गोस्वामी वापस आए। जयदेव गोस्वामी आए बोले अरे अरे मैं कुछ लिख रहा था, लिखते लिखते मैं भूल गया, पहले लिख लेता हूँ फिर जाऊंगा। तो लिखे स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पार पल्लव उदारम। स्मर गरल खंडनम, ये आपके मान का खंडन करने के लिए, मम शिरसी मंडनम मैं अपना सर आपके चरणों में रखता हूँ, देही पाद पल्लव उदारम आप अपने उदार चरण कमल में दे दीजिए, भगवान श्री कृष्ण का वाक्य। ऐसा लिखे और चले गए। उसके बाद प्रसाद आए और चले गए। अब पहले जमाने में ऐसा था कि पति के खाने के बाद पत्नियां खाती थी, तो पद्मावती जयदेव गोस्वामी के बाद खाने उनके प्रसाद पाने के बाद खुद प्रसाद पाने लगी। तब तक जयदेव गोस्वामी यमुना में स्नान करके वापस आए। देखे अरे आज क्या हो गया, तुम आज वहां से पहले खाने के लिए बैठ गए, बोले अरे अभी तो आप खा के गए थे, मैं कब खाया हूँ? तो नहीं आप गए फिर आप वापस लौटे फिर आप फिर गए, मैं तो गया सीधा यमुना में स्नान करके अभी आ रहा हूँ। तब तक जहाँ ग्रंथ लिख रहे थे उस ग्रंथ को देखे, तो उस ग्रंथ में जो वो सोच रहे थे नहीं लिखे, ये सोच के कि वो अखिल ब्रह्मांडेश्वर भगवान क्यों ऐसा करेंगे, वो वहां पर लिखा हुआ था भगवान की हैंडराइटिंग में, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पाद पल्लव उदारम। तो देखिए किसी सन्यासी आदि के यहाँ नहीं, जयदेव गोस्वामी गृहस्थ थे, और जयदेव गोस्वामी को भी नहीं, उनकी पत्नी पद्मावती को भगवान आके दर्शन दिए, उनके हाथ से खा के गए। भगवान का केवल स्वानाम पक्ष पोषण था, केवल अपने जो उनको अपना मानता है उसका पोषण करते हैं। श्री नाम वाक्यम अमृतम कर्म कर्तुम अवतीर्ण से मेरे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्ता नाम मानवर्धनम। अब क्यों हमारे घर में प्रकट हुए, क्योंकि स्वयं वाक्यमृतम आप अपने वचन को सत्य करने के लिए अवतीर्ण असी में गृह मेरे घर में अवतार लिया, क्यों आपने मेरे को बोला था
कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। बस उसी बात को सत्य करने के लिए चिकित्सु भगवान के आना, और आपकी इच्छा है लोगों को ज्ञान देने की, इसके लिए आप अवतार लिए। मगर भक्ता नाम मानवर्धन, आप ज्ञानियों का मानवर्धन नहीं करते, आप तो अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा आदरणीय बना देते हैं। अपना मान टले तो टले, पर भक्तों का मान ना टलते देता। भगवान अपने मान से ज्यादा अर्जुन को मान दिए, भगवान अपने मान से ज्यादा भीष्म पितामह को मान दिए, भगवान गीता में अर्जुन को बोले कि सबको मैं मार दिया। अर्जुन बोले तो फिर हमसे युद्ध क्यों करा रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, तुम धनुष बाण उठाओ, युद्ध करो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम केवल निमित्त बनो। जैसे किसी क्रिकेटर के हाथ का बैट होता है, तो बैटमैन के हाथ का जो बैट है, बस तुम मेरे हाथ का बैट बन जाओ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, और यशो लभद्वा, और सारा का सारा यश बैट का होता है। वो चलाने वाला बैटमैन, मगर बैट का भी यश हो जाता है। उसी प्रकार से सबको मारने वाले हुए भगवान, मगर जगत में लोग जानेंगे कि अर्जुन ने इतनी सारी सेना का वध कर दिया। भगवान भक्ता नाम मानवर्धनम, अपने भक्त का मान बढ़ा देते हैं। युद्ध में जब भीष्म पितामह बहुत हल्के ढंग से युद्ध कर रहे थे, तो एक दिन दुर्योधन बड़ी खड़ी खोटी सुनाने लगा। अब अर्जुन को देख के थोड़ा हल्का हो जाते हैं, ठीक नहीं है, आप हमारे पक्ष में हैं। तो भीष्म पितामह उस दिन सौगंध खा लिए कि ठीक है, कल या तो अर्जुन युद्ध में मारा जाएगा, या फिर कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। एकदम सौगंध खा लिए। अब युद्ध भूमि में जब पहुंचे, तो अर्जुन के साथ भीष्म पितामह ऐसे युद्ध कर रहे हैं, ऐसे जल्दी जल्दी बाण मारे, ऐसे बाण मारे कि अर्जुन उस दिन पूरा परेशान हो गया। उसका पूरा टाइम बीत गया उन बाणों को काटने में, मगर ठीक से काट नहीं पा रहा। उसके चेहरे से पसीना निकलने लगा, तो अर्जुन एक बार को अपना पसीना पोंछने लगा, तो कृष्ण पीछे मुड़ गए। अरे अर्जुन, ये पसीना पोंछने का टाइम है, बूढ़ा मार देगा। अब भगवान सोचे कि मेरे को अपने भक्त की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। पास में वहां एक टूटा हुआ रथ पड़ा था, रथ का पहिया, भगवान रथ से कूद गए, रथ का पहिया अपने हाथ में ले लिए। अर्जुन बोले, क्या कर रहे हो कृष्ण, आपने सौगंध खाई थी कि आप कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोले नहीं अर्जुन, ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। एकदम रथ का पहिया हाथ में ले लिए, अर्जुन पैर पकड़ लिए भगवान का, अर्जुन को घसीटते घसीटते और भीष्म पितामह की स्तुति में गए। गतोत्ति लिया, भगवान की उत्तरी गिर गई, भगवान को उसकी खबर नहीं। भाग रहे भीष्म पितामह के पास उनको उस चक्र से मारने के लिए। तो कारण क्या था उसका? भीष्म पितामह की सौगंध की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी सौगंध छोड़ दी। उनकी सौगंध थी कि हम कोई ऐसा शस्त्र नहीं उठाएंगे, मगर क्योंकि भीष्म पितामह ने बोल दिया कि या तो अर्जुन मरेगा या कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, तो भगवान बोले अर्जुन तो नहीं मरेगा, हम अपनी सौगंध छोड़ देंगे। तो भगवान अपने से अधिक अपने भक्तों का मान कर देते हैं, वो ज्ञानियों का मान उतना कभी नहीं करते। ज्ञान देने के लिए आए हैं, मगर मान बढ़ाते हैं अपने भक्तों का। तो इस तरीके से कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आसमा पृच्छे पति प्रजाना तोयावती उत्ताप काम। हम कह रहे हैं कि आज मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, आपसे आज्ञा ले रहा हूँ कि प्रजानां त्वया अवर्तीर्ण ऋणः, आपके आने से जो मेरा मेरे पिता के प्रति ऋण था, एक ऋण होता है पिता के प्रति, उन्होंने जन्म दिया और वो ऋण चुक जाता है। जब कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है तो पिता का ऋण खत्म हो जाता है। तो बोले कि मेरे पिता ने हमको बोला था सृष्टि आगे करने के लिए, आप हमारे घर में अवतार लिए, हमारा पिता का ऋण खत्म, वो जिम्मेदारी खत्म, जिम्मेदारी खत्म। बोले उत आप तो काम हो, और संसार में मेरी अब कोई और कामना बची नहीं। संसार में हम लोग रहते हैं तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, कह रहे हैं कि बाकी जो इच्छाएं थी, जो भोग चाहते थे वो अपने जीवन में वो भोग लिए, अब हमारे चित्त में कोई इच्छा बची नहीं। अब ऐसा मत समझिएगा कि बुढ़ापा आते आते इच्छा खत्म हो जाती है, जो भजन करता है उसको भौतिक इच्छा खत्म होती है। नहीं तो आप ये देखिए, छोटा बच्चा है, उसके चेहरे पर एकदम 15 साल का हुआ थोड़ा सा चिंता में, 35 साल का हुआ और चिंता में, 55-65 का हुआ तो चिंता ही चिंता में दिखाई देता है।
उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक दुख और बढ़ जाता है। क्या बूढ़ा होते होते एक दुख ही होता है कि मन में इच्छा तो होती है रसगुल्ला खाने की, मगर एपेटाइट खत्म हो जाता है, पचता नहीं है। इच्छा रहती है, ऐसा नहीं कि इच्छा खत्म हो गई, इच्छा है वो वितृष्णा नहीं होता, उसको अनेक लोगों की इच्छा होती है, जीवन भर उसने गधे कुत्ते की तरह भोगी किया है। तो इसके बुढ़ापे में भी उसको वही चीज इच्छा तो होती है, मगर अब इंद्रियों में भोग भोगने की क्षमता नहीं रहती, कर्दम होने की स्थिति वैसी नहीं है। भगवत भजन करने से उनकी भौतिक इच्छाएं सब खत्म हो जाती, उत्तर आप कामना, मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई, अब मेरे को अधिक कोई कामना नहीं। तो परिव्रजत पदवी अहम चरिष्य, इसलिए अब मैं इस पूरी पृथ्वी पर परिव्रजत पदवी में एक सन्यासी बन के विचरण करना चाहता हूँ। अब देखिए, भगवान उनके घर में आए हैं और वो घर से जा रहे हैं, ये कौन सी बात कही है? उनके घर में भगवान पुत्र के रूप में आए और कह रहे हैं कि आप हमें आज्ञा दीजिए, अब हम सन्यास लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान के साथ रहना भी उतना जरूरी नहीं है जितना भगवान की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए, भगवान का आदेश पालन करने के लिए भगवान को भी छोड़ के जाने के लिए तैयार है। ये है कर्तव्य का शुद्ध प्रेम। परिव्रज यानी घूमना, जो हमेशा घूमते रहते हैं सन्यासी, घूमते रहते हैं, क्यों घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? पीछे भगवान बोले थे अभयम दातुम, लोगों को अभय देने के लिए। इस संसार में सब लोग सो रहे हैं, सो रहे मतलब जगह लगी सो रहे हैं, वो भगवान से कोई लेना देना नहीं, आत्मा के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को साधु सन्यासी घूम घूम के जगाते, अरे जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले गोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। साधु संत विचरण करते हैं, वो गृहस्थों के घर जाते हैं उनसे पैसा लूटने के लिए नहीं, वो विचरण करते हैं उनकी सोई भी चेतना को जगाने के लिए। अरे मूर्खो, कब तक माया की गोद में सर रख के, माया रूपी पिशाचनी की गोद में सर रख के सोते रहोगे, जागो जागो जागो, जगाने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए वो भ्रमण करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मन जाते हैं, प्रभुपाद जी भी है, मगर दोनों में अंतर था। लोग क्यों जाते हैं? कुछ भोग भोगने के लिए अमेरिका जाते हैं, कुछ बढ़िया एंजॉयमेंट प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाते हैं, पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं। वह प्रभुपाद जी वहां पर गए कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए वहां पर गए थे, भगवद गीता श्रीमद भागवतम देने के लिए गए। तो काम एक ही है, क्या? घूमना। मगर दोनों घूमने में अंतर है या नहीं है? एक सांसारिक व्यक्ति घूमता है, कुछ सुख ढूंढता रहता है कि वहां सुख मिलेगा, उस ढाबे पे सुख मिलेगा, उस शहर में सुख मिलेगा, वहां ऐसे सुख मिलेगा। और साधु संत घूमते हैं सुख ढूंढने के लिए नहीं, लोगों को सुखी करने के लिए, उनको अभय देने के लिए। कह रहे हैं परिव्रज पदवी आस्थित अहम चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विश्वकः, मैं आपको हृदय में धारण करके पूरे विश्व में भ्रमण करूंगा, इस तरीके से मुझे कोई शोक नहीं रहेगा। होता क्या है कि जब हम एक ही जगह पर रहते हैं बहुत दिन तक, तो कुछ लोगों में राग हो जाता है और कुछ लोगों से द्वेष हो जाता है। 3 दिन 5 दिन 7 दिन आप एक जगह पर रहते हो तो ऐसा नहीं है किसी से बहुत लगाव हो जाता है और ऐसा नहीं है किसी से दुश्मनी हो जाती है, मगर जब हम एक ही जगह पर बहुत दिन रहते हैं, महीने भर, 2 महीने और पूरा जीवन कहीं कोई व्यक्ति बिताता है, तो कई लोगों से तो बहुत यारी दोस्ती हो जाती है, राग आ जाता है, और कुछ पड़ोसियों से, कुछ लोगों से बड़ा द्वेष हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अच्छा, जिससे राग है वो मन में बसा रहता है और जिससे लड़ाई है वो ज्यादा ही मन में बसा रहता है, मगर साधु संत घूमते रहते हैं
तो घूमने से क्या होता है, ना तो हमको संसार में किसी से राग होता, ना संसार में किसी से द्वेष होता, इसलिए अशोकान, इसलिए उनको कभी शोक भी नहीं होता। कह रहे ऐसे आपको हृदय में धारण करके भ्रमण करूंगा। तब श्री भगवान कह रहे हैं, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनि मया तुभ्यम यद वोचम अमृतम मुने। मया प्रोक्तम ही लोकस्य, लोक में जो व्यवहार किया जाता है, और प्रमाणम सत्य लौकिके, जो लौकिक है और जो शास्त्रीय है, दोनों के दोनों में बोले कि मेरा वाक्य ही परम प्रमाण माना जाता है। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुक्षु नाम दुराशया प्रसंख्या नाम तत्वा नाम सम्मतायात्म दर्शने। इस अवतार में सांख्य योग का, भक्ति योग का, सांख्य आदि के द्वारा जो भक्ति योग संपन्न की जाती है उसका वर्णन करूंगा, जिससे लोगों की कर्म वासना का नाश करूंगा। गच्छ कामम मया पृष्टो, अब तुम जाओ, जाओ मतलब जहाँ जाना चाहते हो जाओ। अच्छा घूमना तो मैं तुमको कुछ बताऊं कि इस देश में जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, बोले कि जैसे तुमको मन में कामना आए वहां जाना। क्यों? क्योंकि जिसका भगवान से कनेक्शन रहता है, फुल कनेक्शन जिसका है, उसको भगवान हृदय में रह के परमात्मा के रूप से ही गाइड करते हैं, तब उसको क्या करना है, इसलिए उसको बाहर से गाइडेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मगर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बाहर से बहुत सारी आज्ञाओं की जरूरत पड़ती है। तो कर्द मुनि ने तपस्या आदि करके इतना शुद्ध हृदय उनका हो चुका था कि उनका भगवान के साथ एकदम निकटतम संबंध के कारण भगवान बोल रहे हैं गच्छ कामान, तुम अपनी कामना के अनुसार जब जहां जाओ जा सकते हो। मया पृष्ट हो, मेरे द्वारा ये सैंक्शन किया गया है, मई संन्यास्य कर्मणा, तुम अपने कर्मों को, अपने कर्मों के फल को मुझको अर्पण करके घूम लेना। भाई घूमेंगे तो ये कह रहे गच्छ कामा मया पृष्टो मई संन्यास्य कर्मणा जित्वा सो दज मृत्यु अमृत तत्वाय माम भज। दो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि जो भी कुछ कर्म करो वो मुझको अर्पण कर देना। लोग आरती में करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लाए, ऐसा हम बोल देते हैं, मगर अगर रियल में भगवान लेने के लिए आ जाए तो देगा तो कोई कुछ नहीं देने वाला, वो कम से कम चलिए गा देते हैं। भगवान भगवद गीता में बोले कि उनसे जुड़ने का साधन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि यद करोषि, यद करोषि, यद जुष्णोषि, यद ददासि, यद तपस्वी ददासि। कह रहे जो कुछ तुम करते हो मत पुरुष्य तत् अर्पण, जो भी कुछ करते हो वो सब कुछ मुझको अर्पण करते हुए करो। भाई रोज कुकिंग करते हैं, आप लोग खाना पकाते हैं, भगवान बोले भक्ति करना इतना सिंपल कि जो भी अपने लिए बना रहे हो बिना प्याज लहसुन मच्छी का, ये हमेशा बोलना पड़ता है, मिथिला है ना, आपको बोले हाँ तो हम तो मच्छी बनाते हैं, भगवान मच्छी खाते नहीं है, वो उनको अच्छी नहीं लगती है। तो कह रहे हैं कि जो कुछ करते हो, भाई खाना पकाते हो तो खाना पका के मेरे को भोग लगा दो, तुम कुछ दुकान खोले हो पैसा कमाते हो तो जो भी मान लीजिए खेती करते हो, अनाज उगाते हो तो जो अनाज उगाए उसकी पहली भेंट भगवान को दे दो। जो कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी आज ही सामने किसी का काम है, ड्रेसिंग टेबल उठाते हैं, तो आए थे ऊपर कम ले रहे हैं, बोले कि हम बनाते हैं महाराज, तो हमारी इच्छा है कि एक बनाए हैं तो पहले आपकी सेवा में लग जाएगी फिर करेंगे। भाई हम लोग तो श्रृंगार करते नहीं है, मगर मेरे को उनका भाव अच्छा लगा कि यदि कुछ बनाया है तो उसको साधु और भगवान की सेवा में, भगवान यही तो बोले तुम जो कर रहे हो उसको बदलने के लिए भगवान नहीं कह रहे, वही काम करो बस उसको मुझको अर्पण करते हुए कर लो, क्योंकि भोग भोगोगे तो लाठी पड़ेगी। आप देखे होंगे कभी कभी सब्जी बेचने वाला पालक या मटर बेच रहा है, और गाय या बकरी कोई पशु देखते हैं हरा हरा पालक तो होता है, लगता है मेरे लिए रखा है, वो रखा उसके लिए नहीं, वो बेचने के लिए रखा है। अगर हरी हरी पालक की तरफ गाय मुंह बढ़ाती है उसको खाने के लिए, जैसे मुंह बढ़ाती है वो सब्जी वाला पालक के साथ एक लाठी भी रखता है, इधर मुंह बढ़ाया एक लाठी उसको पड़ती है,
बिल्कुल उसी प्रकार से जब हमने इस जड़ जगत को सब कुछ भगवान ने बनाया किसके लिए, भगवान ने अपनी इंजॉयमेंट के लिए बनाया। जब हम इसको अपनी इंजॉयमेंट में यूज करने का सोचते हैं तो माया मिल जाती है, सब जाता है पंडितों के पास, पापा बहुत होता है। तो भोग में हमारा अधिकार नहीं है, भोग हम भोग सकते नहीं है, हमारा अधिकार किसमें है, उस भोग को भगवान को अर्पण कर दीजिए, प्रसाद में हमारा अधिकार है। प्रसाद आप जितना मर्जी पा सकते हो, अगर आपको पिज्जा पसंद है तो पिज्जा ही भोग लगा के खा लो, बर्गर पसंद है तो बर्गर ही भोग लगा के खा लो, चाउमीन पसंद है तो बिना प्याज लहसुन बार बार नहीं बोलेंगे वो ही भोग लगा के खा लो। भगवान कहने जो कुछ करते हो वो मुझको अर्पण करके कर लो, यही मैं मानूंगा, इसी को स्वीकार कर लूंगा, हृदय से हो जाएगा। जो काम करते हो बोले तुम अच्छा नाचते हो, हाँ हम भोजपुरी गाने पर नाचते हैं, बोले उस पर मत नाचो, कीर्तन गा के नाच लो, बस हो गया, एक्टिविटी चेंज नहीं की है। अच्छा तुमको म्यूजिक अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, वो हम बोले हाँ बहुत अच्छा लगता है हमको, बोले तो उसको बंद नहीं करना, बस उसके शब्दों को बदल देना है, आप ये गंदे गंदे अश्लील गाने मत गाइए, भगवान का कीर्तन गाइए। इतने सारे वैष्णव गीत हैं, सूरदास जी के पद है, रस खान जी के पद है, नरोत्तम दास ठाकुर के पद है, भक्ति ठाकुर के पद है, कितने सारे वैष्णव भजन है। ये हरि नाम ऐसा है, हरे कृष्ण मंत्र आप इस संसार की किसी ट्यून में गा सकते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड जॉलीवुड जितना वुड है सब ट्यून में आप इस महामंत्र को गा सकते हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि छोड़ो, भगवान ने कहा इसको मुझसे जोड़ो। तो जो कुछ करते हो, यद करोषि यद अश्नसि यद जुहोषि ददासि यद, अच्छा बोले कुछ दान देते हो, देते हैं, बोले कि मत मुझसे अर्पण, मुझको अर्पण करते हुए कर। अच्छा कुछ तपस्या करते हो, बोले हाँ हम जी सोमवार का व्रत रखते हैं, हम संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत रखते हैं, बोले यद तपस्वी कौन थे, जो कुछ तपस्या करते हो तब पुरुष में अर्पण, वो सब कुछ मुझको अर्पण करते हुए कर। इसको बोलते हैं मई संन्यस्त कर्मणा, जो काम कर रहे हैं कैसे करो वो उसको भगवान से जोड़ के कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कह रहे जितवा सुदुर्जय मृत्यु, उससे तुम मृत्यु को जीत लोगे। और दूसरी चीज क्या बोले, कह रहे अमृत तत्व है नाम भज, भज का मतलब होता है भज तत्व है सेवा, नाम सेवा से, कह रहे कि कुछ मेरी स्पेशल सेवा करोगे तो अमृत तत्व आया है, मेरा पार्षद नित्य धाम में मेरी सेवा को प्राप्त कर जाओगे। स्पेशल सेवा और इसमें क्या अंतर है, 5 मिनट उसको सुन लीजिए फिर कथा विराम करेंगे। देखिए जैसे एक है कि हमने अपने लिए बनाया, अपने खाने के लिए बनाया, मगर कम से कम इतना सुधार आया कि वो ही भगवान को भोग लगा के खाएगा, इसको बोलते हैं कर्म को भगवान को अर्पण करना। एक दूसरी चीज है, भगवान है हमने बनाया, भगवान के लिए बना के भगवान को खिलाया, इसको भक्ति कहते हैं। अंतर समझे, तो एक है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को भगवान को अर्पण करते हैं तो उससे तो तुम दुर्जय मृत्यु को पार कर लोगे, और कुछ भगवान के प्रोजेक्ट को अगर करने लगोगे तो उससे भगवान का पार्षद प्राप्त कर लोगे। भगवान का क्या प्रोजेक्ट है, जैसे ये जो कथा हो रही है ये कृष्ण का प्रोजेक्ट है, राम का है, हनुमान जी क्या कहते हैं राम जी का कार्य सिद्ध करते हैं, तो इसमें जो सेवा कर रहे हैं वो आप अपना कर्म अर्पण नहीं कर रहे, वो आप भगवान के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, भगवान के प्रोजेक्ट में काम करने से भगवान के धाम में उनका पार्षद स्वरूप प्राप्त होता है। तो एक है क्या हमारा प्रोजेक्ट, हम तो जी यही करेंगे, मगर इतना सुधार लिया है कि भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे, और दूसरा क्या है भगवान का प्रोजेक्ट, भगवान का क्या प्रोजेक्ट है, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया बद जीवों को वापस सुधार के अपने धाम वापस बुलाने के लिए, तो ये जो प्रचार का कार्य है, ये भगवत भक्ति के प्रचार का कार्य है, ये है राम जी का अपना काम। तो जब हम लोग नगर कीर्तन निकालते हैं तो ये नगर कीर्तन क्या है, ये नगर कीर्तन है भगवान का प्रोजेक्ट, जिससे कि सब लोग उस नगर कीर्तन को सुन के पवित्र हो जाए, ये नगर कीर्तन भगवान का प्रोजेक्ट। ये पुस्तकों का वितरण, इन पुस्तकों में भगवान का ज्ञान दिया गया है,
और भगवान चाहते हैं कि सब लोगों को ज्ञान मिले। इन पुस्तकों का कोई वितरण करता है, किसी बद्ध जीव को पुस्तक देता है, तो प्रोजेक्ट किसका है? ये भगवान का प्रोजेक्ट है, हम भगवान का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो सेवाएं आप देख रहे हैं, ये कथा पंडाल में जो हो रही है, तो ये क्या है? ये भगवान का प्रोजेक्ट है, ये भगवान का मिशन है। क्या मिशन है भगवान का? कि सब लोगों को सुखी करना है। तो दो चीजें हो गई, अंतर सब समझ गए ना? ये सवाल बार बार आता है कि कर्म में और भक्ति में क्या अंतर है। तो कर्म अर्पण करना मतलब हम जो करेंगे हम तो जी वही करेंगे, हाँ, मगर कम से कम भगवान को अर्पण कर देंगे। और भक्ति किसको बोलते हैं? जो भगवान चाहते हैं, जो कृष्ण की इच्छा है, जो जो कृष्ण का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए काम करना, तो वो है भगवान की स्पेशल सर्विस। तो हनुमान जी क्या किए भगवान? वो ऐसा नहीं कि अपना कर्म अर्पण किए, भगवान का प्रोजेक्ट था सीता की खोज करनी है, तो हनुमान जी सीता की खोज कर ले रहे हैं। भगवान का प्रोजेक्ट था लंका पर विजय प्राप्त करनी है, तो हनुमान जी लंका को जला के आए। ये सब क्या है? भगवान का काम है। कुछ लोग तो निराकार को मानते हैं, तो बोलेंगे भगवान का कोई काम होता ही नहीं है। वो लोग ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि सब कुछ भ्रम है, तो भ्रम में भ्रम को कैसे चढ़ाऊं मैं, हे प्रभु मैं तुझको कैसे रिझाऊं मैं, ये जो भोग की थाली है ये भी भ्रम है, और ये ठाकुर जो है ये भी भ्रम है, तो भ्रम में भ्रम को कैसे चढ़ाऊं मैं, हे प्रभु तुझको कैसे रिझाऊं मैं। तो एक्चुअल में प्रभु को रिझाने के लिए नहीं, ना खिलाने के लिए गीत गाया है, वो रिझाना नहीं चाहता। अच्छा तो तुम भी भ्रम हो, हाँ, ये थाली भी भ्रम है, हाँ, तो रोज तो भ्रम में भ्रम को डालते हो, तब क्यों नहीं बोलते कि कैसे भ्रम में भ्रम को डाला। तो भगवान का प्रोजेक्ट है भगवान की सेवा, उसमें कोई व्यक्ति जुड़ता है जब, तो उसका हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होता है, और फिर अमृत प्राय अर्पते, वो अमृत जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें ना जन्म है ना मरण है ना बीमारी है ना बुढ़ापा है, भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में उनका पार्षद स्वरूप प्राप्त करता है, भगवान का सखा बन जाता है, गोपी बन जाता है, हो सकता है भगवान के धाम में गाय बन जाए, भगवान की माता के समान बन जाए, और वहां पर वो नित्य सुख, नित्य सेवा के सुख का भोग करता है, वो है रियल जन। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की।